हेलो गाइस, वेलकम टू माय एमजी बुलबुल ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आज मापसा मार्केट, तो आप लोगों को दिखाऊंगी गोवा मापसा मार्केट कैसा है। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए अभी मैं निकल रही हूँ, देखिए आप, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और सो गाइस, चलिए अब निकलती हूँ, टाइम हो गया है, आते आते और लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, दुकान जाए करे अनबुनी दुकान, ये दुकान कहाँ जे मैंने पैसा अच्छे की तो कहाँ से खाइबू, दूसरा टा कहाँ दिन रात कुरकुरे है का है गाइज, मैं पहुंच गई मापसा मार्केट। तो चलिए थोड़ा हमारा पहचान का दुकान है उधर होके आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। स्कूल के लिए लगता है नहीं भैया, ये नहीं टी-शर्ट है, बच्चों का ऐसा ही रहता है। इस कलर ये लेगा तो लगेगा कपड़ा भी अच्छा है, लेता है। मैं वीडियो निकालती हूँ बाबू को। टीशर्ट बढ़िया दिस तू जो पहना है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, वो है ना, ये बच्चों का है कि नहीं भैया? ये टीशर्ट है। हाँ वही है, ये वाला। हाँ ये कितना भी धोओ कुछ नहीं होगा। नहीं लेकिन ये बच्चों का है ना। सो गाइस, ये देखिए मुस्तफा का दुकान, में लड़की का ड्रेस लाने जा रही हूँ। ए ना अच्छे हटा नहीं से हटा बोल लो कोटा ये दे यार, ये अच्छे बोल लो कोटा साइज। एक मिनट, उसको फोटो निकाल के भेज देती हूँ। बड़ा हो जाएगा क्या? थोड़ा बड़ा है उसका। हाँ थोड़ा बड़ा होगा, वो लड़की का फोटो है। हाँ उसका है, तो मैं उसको पहले दिखाती हूँ। इस टाइप का है और कलर्स है इसमें, और भी पैटर्न्स है इसमें। पैटर्न में दिखाओ थोड़ा, कलर बाद में चूज कर। एक साइज दिखा देंगे ना मेरे को? हाँ तो मैं दिखा देता हूँ उसमें। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं मुस्तफ़ा दुकान का अंदर हूँ, और लड़की के लिए कितना वैरायटी का कपड़ा देखिए आप, दिखा रहे हैं क्या लूँ क्या नहीं ऐसा दिख रहा है फिर भी, और दिखा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं सब लेडीज़ जेंट्स बच्चों से लेके सबका मिलता है। तो मुस्तफ़ा का यही एक खासियत है कि बड़ों का अलग, बच्चों का अलग, और लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, ऐसे रखते हैं, एक ही जगह नहीं रहता दुकान। तो आप लोग को चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने इधर म्यूट कर दिया है क्योंकि उनका आवाज़ आ रहा था इसलिए, और मैं अभी आवाज़ दे रही हूँ। तो देखिए वो कितना अच्छा अच्छा कपड़ा दिखा रहे हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है मुस्तफ़ा का, लेकिन जाता भी है बहुत दिन तक, मतलब 2-4 साल तो पहन सकते हैं। तो इसके वजह से मैं इधर से ही लेती हूँ। चलो हम एक बार कपड़ा खरीदेंगे तो 2-3 साल तो जाएगा ना इसके वजह से। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा कपड़ा दिखा रहे हैं, और भी दिखाएँगे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी दुकान जाएंगे तो इतना वैरायटी दिखाते नहीं है, 1-2 पीस दिखा देते हैं और बस हो गया, लेना है तो लो नहीं तो नहीं। और यहाँ पे मेरा फिक्स दुकान है, और यहाँ आती हूँ ना तो बहुत दिखाते हैं, 10-15 प्रकार का तो दिखाएंगे ही वैरायटी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा है।
कपड़ा, लेकिन मेरे लड़की को थोड़ा पतली है ना, ये नहीं होगा, इसके वजह से मैंने और भी दिखाने के लिए बोला, तो और दिखा रहे हैं उसका साइज का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, मैं इतना देखने के बाद जो इसका पप्पा पकड़े है ना येलो वाला, मैं यही ही लेके आई उसके लिए। तो थोड़ा लूज हो रहा है, फिर भी मैं एक्सचेंज करने के लिए जाऊंगी, यही वाला ड्रेस लेके आई हूँ। ये भी मुझे पसंद आया, इसका पप्पा को पसंद आया, इसके लिए मैंने और उसको दिखाने के लिए मना किया और यही लेके आई हूँ। तो चलिए मैं अंतरा का अनुभव सांता दे बोल स्मॉल साइज झिकी मिकी गागर इडा जैसी ना रे देखा लो देखो देखिए मेरे लिए कपड़ा लाया गया है पहन के दिखाओ दिखाओ ऊपर से पहन के दिखाओ बाद में हाँ ये देखिए लूज हो रहा है उसको ढीला हो रहा है ढीला मम्मी को बोला था स्मॉल लाना कौन सा तो अपना कपड़ा खुद जाओ खरीदने के लिए। आपने लिया ही नहीं। क्या कहना चाहेगी? एक्सटेंड करूंगी स्मॉल वाला लाना। ये तो इतना तो ठीक है, गो हील तो डालेगी तो हो जाएगा ना। हील तो मुझे नहीं डालनी। और ये इतना ठीक है? ये ऐसे होता है? नहीं, ऐसे ही लूज रहता है। तो इसको एक्सचेंज करना है और उसके साथ पर्स मिला है। वाह वाह वाह, खजाना रखी गई पर्स में। नकल उतारती है बुड्ढी, इसीलिए वो अभी आएगा बोलने के लिए। कौन? तेरा उसका फ्रेंड भूतनी चुड़ैल बुढ़ी, क्या क्या नाम दिया है इसको। वो बड़ा वाटर है। वाटर है ना, उसका घर भी इधर ही है, नजदीक है वो बिल्डिंग में। देखे ज्यादा दूर भी नहीं है, तो उधर से वो खिड़की से वो लोग खड़े वो खड़ा रहता है, और हमारा ये विंडो विंडो से ये लोग खड़े रहते हैं, और बाद में झगड़ा स्टार्ट, महाभारत स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड लोग भी नज़दीक रहते हैं, अच्छा लगता है। और चल खोल, मेला हो जाएगा फिर। एक्सचेंज ना एक्सचेंज बोलेगा। हाँ नहीं तो एक्सचेंज नहीं करेंगे। ଆମମାନ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଏଇନା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରଟା ମିଳୁଛି ହେନୁ ନା, ମୁସ୍ତଫା ନୁ ନେଲେ ବନେ ଯେ, ମୁସ୍ତଫା ନୁ ନେଲେ ବନେ, ଖଟସି ଆକା ତାକଟା। ଏ ଫ୍ରୁଟ କା ଦୁକାନ ହେ, ଏକ ଲାଇନ ମେ ଦେଖିଏ, ଆର ଓ ଆୟା ଥା ଏକ ଲାଇନ ମେ କପଡ଼େ କା। ଆରେ ବେରିଂ କରୁଛି तो यहाँ पे देख सकते हैं उधर एक लाइन में। सो गाइस जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें एटीएम है,
तो मार्केट का सामने ही एटीएम है तो अच्छा है ना, पैसा निकाल के भी मार्केट करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा गाड़ी पार्किंग किया है तो हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं। जब अंधेरा हो गया तो हम निकल रहे हैं घर। देखिए अगर कितना अंधेरा हो गया है, थोड़ा ही दिखा पाया आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी तब दिखाती हूँ। अब जा रही हूँ घर में। चलो से निकाल के मुझे दिए अभी पीने के लिए, तो मैं पीऊँगी अभी, खाना पकाऊँगी, बहुत काम है और अंधेरा भी हो गया। मैं आते आते अंधेरा हो गया और कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को, इसीलिए सॉरी। क्योंकि मैं उस एरिया में पहले रहती थी, इसके वजह से मेरा फ्रेंड लोग मुझे मिले जो कि जान पहचान का, तो इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो बना नहीं पाए, तो इसकी वजह से सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर इधर का सब व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइस वीडियो यही एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय।